के डेट में फ्लिपकार्ट के माध्यम से 6 लाख रुपया लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अमेजन के माध्यम से लगभग 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट सुनी फ्लिपकार्ट ने हमारी और उस 75,000 को बढ़ा के 4 लाख किया, फिर भी अभी हम 2 लाख माइनस में है, उसे हम मेकअप करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजों पे बहुत सारी लिमिटेशन होती है, ये लिमिटेशन को अगर नहीं रखा जाए तो शायद हम वो मकाम नहीं हासिल कर पाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। कई लोगों का अभी मैं चैट में देखा कि उन्होंने बोला सर बिल पेमेंट पे भी कैशबैक दे दीजिए, सर कंपनी चलानी है या नहीं। बिल पेमेंट पे जब कैशबैक नहीं मिलता है तो हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, कई चीजों पे हम कंप्रोमाइज करते हैं और हम लोगों की सुविधाओं के ध्यान में रखते हैं, जैसे रिचार्ज की सर्विसेज ने, बहुत सारे सर्विसेज ने अपनी परसेंटेज ऑफ मार्जिन को घटा दिया, फिर भी हमने जो रखा कैशबैक वो हम देते आ रहे हैं और आगे भी देते आएंगे, चाहे वो परसेंटेज कितना भी घट जाए। इट इज माई प्रॉब्लम, इट इज माई टेंशन कि उसे मैं कैसे मेकअप करूं। लेकिन एक बात हमेशा चाहता हूं आप लोगों से कि ये वन वे बिजनेस नहीं है, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो वन वे चलेगी, ये टू वे बिजनेस है। आप लोगों के, सभी लोगों के सहयोग से ही ये बिजनेस बड़ा होगा और आप लोग भी इसमें बड़े होंगे। आज कई लोग कई बड़े मकाम हासिल कर लिए हैं, कई लोगों ने घर हासिल किया। हर मैं आपसे चाहूंगा थोड़ा सा एक अचीवमेंट के बारे में, क्या अचीवमेंट किया है आपने नेक्स्ट मंथ? बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार पुनः। और अगर वास्तविक शब्दों में मैं बयां करूं सर, तो मुझे आपका साथ उस वक्त मिला था जब मैं एक तरीके से लगभग ऐसा समझिए अर्श से फर्श पर आ चुका था और सारे मार्ग एक तरीके से मेरे को मेरे जीवन में क्लोज दिख रहे थे कि अब मैं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और फाइनली मुझे आज भी वो दिन याद आता है, मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही विनती करी कि ये भगवान ऐसा कुछ मार्ग दिखा कि जैसा मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं तो कमाऊ मेरे माध्यम से कई सारे लोग कमा सके। और मैं चूंकि जॉब 3 साल पहले जॉब छोड़ चुका था और जॉब इंडस्ट्री में मैं वापस नहीं जाना चाहता था, परंतु आपके माध्यम से मुझे ये मार्ग मिला। और अगर अचीवमेंट की बात करूं सर, तो आज मैंने और कमल जी ने, जो मेरे ब्रदर है, एक घर हमने समझिए 3 BHK का पूरा बंगलो भाव में बना पाए बिकॉज ऑफ नेक्स्ट मनी। मैं अगर बात करूं तो मेरी कार की पूरी लोन मैं खत्म कर पाया हूँ नेक्स्ट मनी की वजह से। और रिसेंटली एक और अचीवमेंट, जयपुर में मैं अपना घर 3 BHK का ले पाया हूँ बिकॉज ऑफ नेक्स्ट मनी। धन्यवाद धन्यवाद हर्ष। चलिए, ये कुछ अचीवमेंट है जो लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। कई नेटवर्क मार्केटिंग आपने देखा होगा जहां लोगों को सपने दिखाए जाते हैं और हमें केवल सपने नहीं देखना है, हमें इसे प्रैक्टिकल करना है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी लोगों का साथ मुझे चाहिए। अभी कई लोगों के चैट में ये आ रहा है कि सर आज नेक्स्ट मनी का ऐप डाउनलोड। ये छोटे छोटे इश्यूज को लेके अगर आप चलेंगे तो शायद हम आगे की चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे। 24 घंटा यार सर्वर भी चलता है, उसे भी कभी कभार रेस्ट दे दिया करें, वो भी कभी थोड़ा रेस्ट ले ले तो हम लोग और बेहतर कर पाए। हाँ, यहाँ तक सिस्टम अपग्रेड की बात है, ये हमारे लिए रेगुलर प्रोसेस बन चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों का सहयोग आ रहा है हमारे पास, उस हिसाब से हम इसे लेके धीरे 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 करके बहुत बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अचानक से बड़ा हो जाना भी पॉसिबल नहीं होता है। अचानक आप बिना पहली मंजिल क्रॉस किए दूसरी मंजिल नहीं जा सकते, तीसरी मंजिल नहीं जा सकते। और आप चाहते हो कि मैं बिना पहला मंजिल क्रॉस किए 10 मंजिल पे चला जाऊं, तो अगर आप गिरेंगे तो शायद हाथ पैर सबकी हड्डियां पूरी चकनाचूर हो जाएंगी।
कई लोगों की डिमांड थी सर एलपीजी में इंडियन एचपी आ जाए। पहले हमने भी सोचा था यार वो पॉसिबल होगा कि नहीं, लेकिन आज भी बीपीएस के अंदर वो सर्विस हम ला के रखेंगे। कई लोगों की आज डिमांड है एलआईसी हो, ट्रेन बुकिंग हो, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज ऐसे ऐसे चीजों की डिमांड कर रहे हैं जो शायद आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं वादा करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि वो सब कुछ पॉसिबल कर दूंगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारी चीजों पे वर्किंग हो रही है, सिस्टमैटिक ढंग से वर्किंग हो रही है। बस एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट चेंज योर। मैंने कई लोगों को देखा है कि हाँ अच्छी इनकम आई, अच्छी चीजें चली तो एकदम भगवान बना देते हैं, और जहां थोड़ी सी कोई चीजें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि वो अपने औकात में गिर जाते हैं और अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि यहाँ से इनकम आई तो जय जयकार करने लगते हैं, और तुरंत जैसे पता चला कि उनकी गलती की वजह से कुछ इनकम कम हुई या नहीं हुई तो वो हमें गालियां भी देने लगते हैं। हालांकि मुझे इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर प्रभाव पड़ जाए तो शायद मैं आप लोगों का एमडी कैसे कहता हूं। इसलिए मैं उन चीजों पे प्रभावित नहीं होता हूं, ना ये चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है। मुझे पता है हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है और कहां तक जाएंगे। छह महीना जब शुरू हुआ कंपनी तो लोग बोलते थे सर कंपनी साल भर तो चलेगी, जब साल भर चल गई तो लोग बोलते हैं दो साल चल गई तो लोग बोलते हैं तीन साल चल गई तो लोग बोलते हैं आगे चलेगी कि नहीं, और जिस दिन 10 साल चलेगी उस दिन वो उनका फोन आएगा सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद मुझे पहले ही नेक्स्ट मनी को कर लेना। इन सारी चीजों से बेफिक्र होके मैं अपने मंजिल की ओर अग्रसर हूं, और आप लोगों से भी यही चाहूंगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे बुरे मीडियम भले सभी प्रकार के लोग होते हैं, हम जिस नजर से उन्हें देखेंगे वही नजरिया उनका भी होगा हमारे प्रति। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि किसी के प्रति भी कभी भी द्वेष और आक्रोश का भावना न रखे। कई लोग बोल रहे हैं कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश में बोलूंगा हर्ष तो सभी लोग समझ पाएंगे? सर इंग्लिश और हिंदी मिक्स रखे अगर ऐसा है, क्योंकि शायद प्योर इंग्लिश कुछ लोग हैं शायद तेलंगाना एंड साउथ इंडिया से, दे आर थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, वी विल मिक्स द लैंग्वेज and we will do the meeting। आप सभी लोगों का खाना कम हो जाए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कभी भी अपने मन के अंदर अपने अंदर घमंड न लाए। अगर ऐसा मैं सोचने लगूं तो शायद लाखों लोगों की इनकम पे असर पड़ जाएगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और हमारा टारगेट है कि करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाए। कई चीजों पे वर्किंग करते करते हमें ये अनुभव होता है कि कुछ चीजें जो हमने कमिटमेंट की है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। इसका रीजन ये होता है कि हर चीजें हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, कई चीजें टेक्निकलिटी बहुत सारी चीजों पे अलग अलग डिपेंडेंट होती है, इसीलिए थोड़ा देर है, बट ये भरोसा रखिए
यहां अंधेर नहीं है। दूसरी चीज एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कई लोग जब यहां से इनकम कर लेते हैं और कुछ ज्यादा अच्छी इनकम हो जाती है तो उन्हें लगने लगता है कि यार मेरे अंदर तो बहुत बड़ी पावर है, नेक्स्ट मनी क्या है, नेक्स्ट मनी से बहुत अच्छे अच्छे चीज आ रहे हैं, हम जाते हैं, हम चार्टर प्लेन लेंगे, हम 6 महीने में ये करेंगे वो करेंगे, और पता चला कि सब के सब भस्म हो जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, रियलिटी रियलिटी है, एजम्पशन एजम्पशन है। एजम्पशन की ओर न चल के प्रैक्टिकलिटी की ओर हम चले तो शायद मंजिल जल्दी मिलेगी। अगर हम इमेजिनेशन पे केवल चलेंगे तो मंजिल पाने शायद ना भी मिले। आज जो भी इनकम है वो इनकम बहुत बड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। हर्ष ने भी जो अचीवमेंट बताई अपनी या बाकी लोग भी जो अचीवमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये कुछ भी नहीं है हमारे सामने। अभी तो हमने केवल 1% हासिल किया है जो हम चाहते हैं, हमें 99% और भी बहुत सारी चीजें हासिल करनी है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा चीज काम करेगा वो है पेशेंस, धैर्य, धैर्य रख के चलना है। कई चीजें हमारे सामने भी आती है जहां हमें भी हड़बड़ाहट होती है कि ये क्या हो गया, अचानक से कुछ चीजें सही से नहीं चलती है, कुछ चीजों में दिक्कतें आती है, लेकिन धैर्य रखा हूं इसलिए आप सभी लोगों को इतने दिन से सही तरीके से सब कुछ दे पा रहा हूं। अभी हमने बीबीपीएस पे वर्क किया, कुछ दिन और बीबीपीएस पे वर्किंग चालू रहेगी, तो कुछ समय अगर एप्लीकेशन में दिक्कत हो तो कृपया घबराए नहीं, पेशेंस बना के रखें, हम आपके लिए तत्पर हैं। आप लोगों की जो भी मुश्किलें हैं वो मेरे समझ में है, मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड में काम कर रहा हूं आप लोगों के साथ, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। कई लोग बार बार कुछ चीजों को बार बार ढूंढते हैं कि सर कुछ ये हो गया वो हो गया, लोग नेगेटिव हो रहे हैं। देखिए मैं ये जानता हूं कि अच्छे लोगों को ही लेके हमें चलना है तभी एक अच्छी कम्युनिटी का विकास होगा। जो छोटे छोटे चीजों में नेगेटिव हो जा रहे हैं सर, वो कैसे आपके साथ बहुत लंबे समय चल पाए। बहुत आगे तक चलना है तो ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो मुश्किल में और अच्छे वक्त में दोनों समय आपके साथ है। और मैं भी यही चाहता हूं कि ऐसे लोग हमारे साथ रहें जो दोनों समय में हमारे साथ रहे। अब कुछ और बातचीत मैं करूंगा आने वाले कुछ चीजों के बारे में, उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे साथ बहुत मेहनत करके कुछ डायमंड यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों की थोड़ी रिकग्निशन होनी चाहिए। राहुल जी। यस सर। तो कुछ डायमंड की रिकग्निशन हो जाए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही कम शब्दों में आपने हमें बातों ही बातों में बहुत सारी ऐसी गूढ़ चीजें बताई जिनका अपने जीवन में समावेश करना बहुत जरूरी है। और जैसा आपका आदेश है कि बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने अपना पूरा मेहनत करके आज नेक्स्ट मनी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए एक मुकाम हासिल किया है, और इसी क्रम में हम अपने डायमंड लीडर, क्राउन डायमंड लीडर को सुनना चाहेंगे। सभी लोगों के लिए एक कॉमन इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, एक विचार कह सकते हैं, एक बात कह सकते हैं। सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे जिसको इनवाइट किया जाएगा, 1 मिनट से लेके मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का मतलब 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपको अपनी बात रखनी है। सबसे पहले अपना परिचय, आपका नाम, आप कहां से हैं और आपका प्रोफेशन, आप नेक्स्ट मनी के अलावा क्या करते हैं, शॉर्ट में 10 से 15 सेकंड में आप ये बताएंगे। देन नेक्स्ट मनी आपने कब शुरू किया और डायमंड स्टेप जो अचीव किया, ये आपको बताना है। आने वाले
फ्यूचर में आपका क्या विजन है, क्या टारगेट है जिसको लेके आप चल रहे हैं, और अपनी तरफ से एक छोटा सा कोई मैसेज जो आप देना चाहें बहुत सीमित शब्दों में, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर लगभग 30 के आसपास डायमंड लीडर मौजूद रहे, तो एक से डेढ़ मिनट में हम बात करेंगे, क्योंकि इस सेशन के बाद में हमें अभिषेक सर को सुनना है और बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट, जबरदस्त बातें सर हमारे बीच में लेके आने जा रहे हैं। तो मैं क्रम से इनवाइट कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं इनवाइट कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मेरे साथ, मेरे पार्टनर और हिंदुस्तान के फर्स्ट क्राउन डायमंड होने का भी उन्होंने गौरव प्राप्त किया, और उनके लिए मैं दो लाइनें बोल के उनको फटाफट से इनवाइट करना चाहूंगा कि तूफानों से जो टकराए उसे चट्टान कहते हैं, चट्टानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों में जो करे कर्म उसे कर्मा कहते हैं, और जिसने गाड़ दिया नेक्स्ट मनी में लक्ष्य उसे राकेश शर्मा कहते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका, आप हमारे बीच में आए, हैंड रेज अपना करें सर। मेरा निवेदन है राकेश सर हैंड रेज करें जिससे कि सर उनको अनम्यूट कर पाए। यस सर, राकेश शर्मा सर अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं सर अपना हैंड रेज करें। सर आप ही को अनम्यूट करना होगा सर। अभिषेक सर सर कई लोगों को मैं देख रहा हूं पोजीशन अपना नहीं रखे हुए हैं, प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि अपने पोजीशन डाल के रखे ताकि मैं अनम्यूट कर सकूं। डॉक्टर शर्मा जी आप अनम्यूटेड हैं, आप बात कर सकते हैं। सर अगर हर्ष सर को होस्ट बन पा रहे हो तो नहीं, इसमें शायद वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। राकेश आपने पूरा काम बोलिए। राकेश शर्मा सर क्राउन डायमंड राकेश शर्मा करके शायद ऐसे लिख के आया होगा। नहीं उस नाम से नहीं है, राकेश शर्मा नाम से ही है सर। हाँ इसीलिए मैं बोलूं, एक्चुअली में हम भी रिकॉग्नाइज नहीं पा रहे, सभी लोग अपनी पोजीशन कनेक्टेड हैं। हर्ष यस सर, राकेश शर्मा जी है सर मीटिंग में। सर वो ग्रुप ऑफ एवरेस्ट के नाम से एंटर हुए हैं क्योंकि वो आउट हो गए थे तो दोबारा एंटर नहीं कर पाए थे रीनेम करके। ग्रुप ऑफ एवरेस्ट यस, ग्रुप ऑफ एवरेस्ट इज देयर सर। ग्रुप ऑफ एवरेस्ट करके सर हैंड रेज कर दीजिए, अभी उनका फोन आया है। यस यस हैंड रेज है। हाँ यस, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू हर्ष सर, और रेस्पेक्टेड परमादरणीय राजा धीराज, नेक्स्ट मनी के सहनसा, हम सब लोगों की आन वान तान, हिंदुस्तान राजा धीराज महाराज हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत जिसपे हम सभी लोगों को नाज है और नाज रहेगा, और हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे कि उन्होंने ऐसा शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी सभी के लिए दी जिससे कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं, उनके घर में खुशियां आ रही हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मुझे ये शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, और मेरे गुरुजन परमादरणीय केवी सर जो प्रेरणा की झरना है, रेस्पेक्टेड चंद्रशेखर शर्मा सर जो हमारे दादा गुरु हैं, उन्होंने सिखाया इस आगे बढ़, मेरे हमदम दोस्त
रेस्पेक्टेड राहुल सर और हमारी पूरी टीम जिनकी बदौलत आज मैं क्राउन डायमंड की हैसियत से आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ। दोस्तों, नाम मेरा राकेश शर्मा है, दिल्ली का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ। इस जॉब के साथ में मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम की सख्त जरूरत थी और मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से ये शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। साथियों, जैसा गुरुजनों ने सिखाया वैसा हम आगे बढ़ते गए और इस बिजनेस में मात्र 7 महीने में क्राउन डायमंड का लेवल अचीव किया। रेस्पेक्टेड बर्मन साहब ने जिस तरीके से इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया, इस बिजनेस को बखूबी से सभी के लिए एक शानदार तरीके से डिजाइन किया है, उसके लिए जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो सब कम पड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस जिसकी यूएसपी पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है, एक नायाब, एक अद्भुत, एक इनोवेटिव अर्निंग अपॉर्चुनिटी है हर भारतीय के लिए। साथियों, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है तो इसमें अपनी सिंसियरिटी और सीरियसनेस दिखाते हुए आगे बढ़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हर भारतीय यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकता है अपने लिए। दोस्तों, सारी मुसीबतों की जड़ है पैसा और सारी मुसीबतों का हल भी है पैसा। अगर पैसा है तो सब कुछ मुमकिन है और नेक्स्ट मनी ये हर व्यक्ति को मौका देती है ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करने का। नेक्स्ट मनी का बिजनेस वो अथा सागर है पैसे का, आप जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ये बिजनेस है और मैं प्रयासरत रहता हूँ कि हर उस व्यक्ति के पास लेके जाऊं इस बिजनेस को जिसको मेरी जैसी जरूरत है और वो भी अपने सपने पूरा करना चाहता है। अगर मैं मेरे टारगेट की बात करूं तो जैसा कि बर्मन सर कहते हैं कि कंपनी में एक और लेवल आने वाला है, उस लेवल को जरूर अचीव करेंगे। और दोस्तों, अगर इस बिजनेस की बात की जाए तो 2021 के अंदर हम सब लोग इस नेक्स्ट मनी के बिजनेस में करोड़ों लोगों के साथ में हम इसमें मौजूद रहेंगे। आज 25 लाख हमारे डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं तो अगले साल हम 100% 1 करोड़ का ये जो टारगेट है इसको पूरा करेंगे। साथियों, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, देर करना मना है, थकना मना है, जिद्दोजहद के साथ में जुड़ जाना है, हर चीज को संभव करके दिखाना है, चूकना नहीं है, करके दिखाना है। नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू हर्ष सर, थैंक यू बर्मन सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राकेश जी। और बहुत तेजी से आगे चलते हुए अब हम इनवाइट करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के सेकंड क्राउन डायमंड जिन्होंने ये लेवल अचीव किया, शानदार जोड़ी महेंद्र सिंह मीणा जी को हम पहले सुनना चाहेंगे। तो आदरणीय महेंद्र सिंह मीणा जी, आप अपना हैंड रेज एक बार करें जिससे कि आपको अनम्यूट किया जा सके। क्राउन डायमंड महेंद्र सिंह मीणा जी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। महेंद्र सर, आप अपना हैंड रेस करेंगे। सर, MS मीना क्राउन डायमंड जयपुर इस नाम से है, M.S. मीना क्राउन डायमंड जयपुर इस नाम से है सर। सर मीटिंग में सर इसी नाम से। M.S. मीना। यस सर। यस, MS मीना सर, आप अनम्यूट है सर। थैंक यू सर। और मैडम मैडम को मीना सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। महेंद्र जी, आप नेटवर्क जोन में आइए, 10 मिनट के बाद में आपसे बात करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर टाइम का कीमत बहुत ज्यादा है। प्रॉपर नेटवर्क में आइए, 10 मिनट बाद में आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे। अभी हम इनवाइट कर लेते हैं रेखा भार्गव मैडम, फर्स्ट लेडी क्राउन डायमंड जयपुर राजस्थान से।
रेखा भार्गव मैडम आप अपना हैंड रेस्ट करके एक बार ऊपर आइए। यस, वो रेखा भार्गव क्राउन डायमंड जयपुर इस नाम से है सर। आपको अनम्यूट किया जा रहा है रेखा मैडम, एक से डेढ़ मिनट के अंदर आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ में अपना बात रखें और एक मैसेज अपने टारगेट के साथ में सभी लोगों को बताएं। अनम्यूट आपको करना पड़ेगा वहां से भी, मैं यहाँ अनम्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ। पर कुछ रेखा मैडम पॉपअप आपके पास में आ रहा होगा, उसको अनम्यूट कीजिए। कर दिया सर, कर दिया मैंने इधर से। जी बोलिए मैडम। थैंक यू सर। सर मैं रेखा भार्गव जयपुर राजस्थान से, मैं सर्वप्रथम पहले मेरे सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और शबनम परवीन मैडम जी, अभिषेक बर्मन सर जी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, बार बार नमन करती हूँ कि जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि जिसकी वजह से आज हम सभी लोग बहुत ही आर्थिक आजादी से मुक्त हुए हैं। सर आर्थिक आजादी से मुक्त नहीं हुए मैडम, आर्थिक आजादी को पाए। जी सर जी। सर मैंने ये बिजनेस को 1 सितंबर 2019 को ज्वाइन किया था और पिछले एक महीने के मतलब उसके बाद मैंने एक महीने में सिल्वर स्टार अचीव किया, 2 महीने के अंदर अपना गोल्ड स्टार का लेवल अचीव किया और 6 महीने में मैंने डायमंड का लेवल अचीव किया। और सर मेरे सभी गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहते हुए मैंने इसको 16 अगस्त को 2020 में इसको क्राउन डायमंड का लेवल अचीव किया है और ये एक भारत, मैंने ये फर्स्ट लेडी डायमंड का गौरव यहाँ से प्राप्त किया है। सर मैं बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ इस नेक्स्ट मनी प्लेटफॉर्म को कि जिसको आज हर व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। सर मैं क्या बताऊं कि मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि बस जो मुझे आज इतना फील हो रहा है इस लेवल को पाने के बाद, तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मैडम मैडम आप गुनगुनाती बहुत अच्छा है, अगर 4 लाइन आप नेक्स्ट मनी के बारे में हम सबको सुना सके। जी सर बिल्कुल। सर मैं अभिषेक सर जी के लिए 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी कि गुरु गोविंद दोहनु खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी सर में आपकी कि नेक्स्ट मनी दियो बताए। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच रेखा मैडम। और अब हम इनवाइट करने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही सीनियर लीडर जिन्होंने नेक्स्ट मनी में शुरुआत में एक विश्वास दिखाया और इस विश्वास के साथ में लाखों लोगों की टीम उन्होंने क्रिएट करी, कोई और नहीं है, उनका नाम है राजस्थान भरतपुर से आदरणीय मनोज कौशिक सर। तो मैं मनोज कौशिक जी को इनवाइट करूंगा। सर आप अपना हैंड रेस करके एक बार ऊपर आए जिससे कि आपको अनम्यूट किया जा सके। डायमंड लीडर आदरणीय मनोज कौशिक सर फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। सर है वे कि नहीं? नहीं सर, शायद सर बहुत गालियां देंगे मुझे। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो अब हमारे नेक्स्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लीडर और नेटवर्किंग का एक अच्छा खासा अनुभव उनके पास में है, वो कोई और नहीं, हिंदुस्तान के पहले डायमंड बनने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया है, ग्रेट मेंटर ग्रेट अपलाइन आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। चंद्रशेखर सर आए और हमें मार्गदर्शन दें अपनी ही तरीके से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप अपना हैंड रेज एक बार करें जिससे कि अनम्यूट किया जा सके। नहीं है सर,
सर वो सी एस एस लिख के और आते कई बार, सी एस एस पे है क्या? सी एस एस, क्योंकि अभी हम लोग भी एक्चुअली यहां से देख नहीं पा रहे हैं कि कौन किस नाम से है। मैं तो नहीं बोल पा रहा सर। एक जो चंद्रशेखर शर्मा नहीं सर, शायद अगर शेखर जी सुन रहे हैं सर, चैट बॉक्स में आप एक बार अगर लिख देंगे तो वहां से पहचानने में आसान रहेगा, आपका नाम वहां लिखा हुआ आ जाएगा। चैट बॉक्स में जिनको भी कॉल करते हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख दें। हाँ, एक बार चैट बॉक्स में वो बता दें तो वहां से आप रिकॉग्नाइज हो सकते हैं नाम से, क्योंकि अदरवाइज इतने लोगों में पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो शेखर जी अगर सुन पा रहे हैं तो इस बार चैट बॉक्स में कुछ भी एक मैसेज लिख दें जिससे कि रिकॉग्नाइज किया जा सके। शायद शेखर जी अभी हमारे बीच में नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, और अब हम इनवाइट करने जा रहे हैं एक और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लीडर, मेरे अपलायंस जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया, बहुत गजब पर्सनैलिटी, आदरणीय केडी शर्मा सर फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। केडी सर अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए जिससे आपको पहचानना है, जाकर पर अपना हैंड रेस कर दीजिए। नहीं सर, आज मेन मेन लीडर छूट गए हैं। फिर एक मीटिंग लेनी पड़ेगी मुझे। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे नेक्स्ट। अब हम बुलाने वाले हैं एक और बेहतरीन लीडर, केडी सर हैं। केडी सर को है तो एक बार, केडी सर आपके पास में एक पॉपअप आया होगा, अनम्यूट कर सकते हैं आप उधर से। नहीं हो रहा है। बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में जबरदस्ती के वहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप शांति से इस पूरे प्रोग्राम में धैर्य बना के सुने। वहां पर चैट बॉक्स में फालतू में कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिनको कहा जा रहा है डायमंड लीडर्स को, वो अपनी वहां पर कर सकते हैं अपनी बात, अपना नाम लिख सकते हैं। तो अब हम बुलाने जा रहे हैं आगरा से एक शानदार जबरदस्त डायमंड लीडर, आदरणीय पवन खंडेलवाल सर। पवन जी आप अपना हैंड रेस करें और एक बार चैट बॉक्स में हेलो ही लिख दें जिससे कि हमें पता चले कि आप किस नाम से आए हैं। पवन खंडेलवाल सर डायमंड फ्रॉम आगरा। इनके अलग से मीटिंग लेनी पड़ेगी मुझे, मेरे को तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट सर, ये प्रोग्राम इतना सुपर हिट था कि ओपनिंग होते ही ये हाउसफुल है और कई लीडर कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण 5000 नहीं हो पाया, और मुझे लगता है कि शायद 5000 भी होता तो भी कई लोग छूट जाते हैं, नहीं आ पाते सर आज। चलिए नेक्स्ट लेवल पे रिकॉग्निशन यहां से कर दें। नेक्स्ट लीडर को हम इनवाइट कर रहे हैं। मैं सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं जो लोग नहीं आ पाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अब बुलाने जा रहे हैं हम कपिल चौधरी जी, उत्तर प्रदेश मथुरा से जो डायमंड लीडर है कपिल चौधरी सर, एंड्रेस करें। सर डायमंड कपिल चौधरी इस नाम से ही है सर। डायमंड कपिल चौधरी जी सर, सर आपके पास में एक पॉपअप आएगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं उधर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। साथियों फर्स्ट टाइम एक्स मनी उत्तर प्रदेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ।
आज मैं मथुरा की कृष्ण की नगरी से आप सभी लोगों से लाइव बात कर पा रहा हूँ दोस्तों। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमारे जब हमारे मेंटर श्री शर्मा जी इस अपॉर्चुनिटी के बाद आज मुझे एक बेहतरीन इनकम यहाँ से आ रही है। स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूंगा हमारे अभिषेक वर्मन सर ने जिन्होंने एक ऐसा अद्भुत नया प्लान हमारे बीच में रखा जिससे आज यहाँ से मेरे साथ में मिलकर बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा अर्न कर रहे हैं, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं दोस्तों। और आज इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर आज मुझे नेक्स्ट मनी करते हुए पूरा एक साल हो चुका है और मैंने मात्र 7 महीने के अंदर कंपनी में डायमंड का लेवल अचीव किया था और आज मुझे नेक्स्ट मनी में एक साल पूरा हुआ है। और इस एक साल के शुभ अवसर पर हमारे बर्मन सर ने मुझे एक बेहतरीन गिफ्ट दिया है जो जिन्होंने मुझे इस मंच पर आकर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप सभी के लिए एक ही मैसेज है, जैसा कि हमारे बर्मन सर ने कहा है हम लोगों से कि पेशेंस रखोगे तो आप आगे हमेशा बढ़ते जाओगे। कुछ लोग हैं जो पेशेंस नहीं रखते हैं और जिसके कारण वो बिजनेस से आउट होकर चले जाते हैं। दोस्तों आपको पेशेंस बनाए रखने के लिए अपने बेस बिजनेस के अंदर एक गुरु का होना अति आवश्यक है। आज जैसा कि टीचर्स डे है तो आप अपने एक अब किसी अप्लायंस को जो स्पॉन्सर लाइन में है तो एक ऐसा गुरु बनाए जिसकी आप मार्गदर्शन में हमेशा उसकी बात माने और उसके मार्गदर्शन पे आप हमेशा उसके साथ में काम करते रहे। दिन में आप अपने अप्लायंस को 2 बार कॉल जरूर करें जिससे आपके अप्लायंस को आपके बारे में उस गुरु को पता चल सके कि आपकी कमजोरी कहाँ है और आप बिजनेस में क्यों पीछे रह रहे हैं। जब भी आपका बिजनेस डाउन में जाए तो अपने अप्लायंस को कॉल दिन में 2 से 3 बार करना स्टार्ट कर दें और जिससे आपका बिजनेस लगातार आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों आइए साथ एक साथ मिलकर नेक्स्ट मनी पहुंचाएं और हर देश की पावर रोज कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी। थैंक यू वेरी मच कपिल जी, फटाफट राहुल जी। नेक्स्ट लीडर है ग्वालियर मध्य प्रदेश से एमपी के फर्स्ट डायमंड प्रदीप शर्मा सर। प्रदीप शर्मा जी ग्वालियर से एंट्रीज करें सर। अजमल हुसैन सर आवाज आ रहा है? प्रदीप सर अगर चैट में डाल दे आवाज आ रही है सर। बिल्कुल आ रही है सर। जी जी आ रही है सर, आ रही है। लाइव चल रहा है, लाइव किसी का नंबर नहीं आ रहा हो तो स्क्रीन लाइव रेफर लिंक लेके भी देख सकते हैं। जितने भी एविडेंट है वो चैट ऑप्शन पे तैयार रहे, उनका नाम बुलाते चैट ऑप्शन में लिख दें। नहीं है सर, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे दिल्ली से डायमंड लीडर मैडम जुबैदा, जुबैदा मैडम को हम इनवाइट करना चाहेंगे। मैडम आप अपना हैंड रेस करें। राहुल जी सभी लोगों का नाम लेके आगे बढ़े, इन सबको और विचार यही है क्योंकि समय काफी हो जाएगा। वो मैं एक बार सभी लीडर्स का डायमंड लीडर का यहाँ से नाम ले लेता हूँ और उनको सभी की तरफ से सर की तरफ से इस लेवल के लिए बधाई। तो मैं प्रीतम चौधरी जी मथुरा से डायमंड लीडर, विजेंद्र जी जो यंग है 19 साल के जयपुर राजस्थान से, रामदास मौर्या जी गंगापुर सिटी से एक बहुत जबरदस्त लीडर, बाबूलाल मीणा जी इनकम टैक्स ऑफिसर है दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट जॉब में हमारे डायमंड लीडर है, रामकिशन मीणा जी जो एक बिजनेस करते हैं अपना खुद का और ये भी जयपुर राजस्थान के बस्ती से बिलोंग करते हैं और ये भी हमारे डायमंड लीडर है, रमेश टाक साहब जो अभी अभी हमारे डायमंड बने हैं भीलवाड़ा से। इन सभी डायमंड्स को बहुत बहुत बधाइयां और मैं अभिषेक सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप हमारे डायमंड्स को एक बार अपनी तरफ से एक बार जरूर बधाई दें। सभी डायमंड को मैं बधाई देता हूं और चाहता हूं कि आगे जल्दी से क्राउन डायमंड बने और इसके आगे की जो पोजीशन है रॉयल क्राउन डायमंड इसके बारे में कई लोगों की क्वेरी थी। आप सभी लोगों को आज मैं ये बता दूं कि रॉयल क्राउन डायमंड की क्राइटेरिया क्या है। कई लोगों ने इसे सोचा था कि 5 क्राउन डायमंड बनेंगे तो रॉयल क्राउन डायमंड होगा, ऐसा नहीं है। रॉयल क्राउन डायमंड की क्राइटेरिया है किसी भी 3 लेग में क्राउन डायमंड होने चाहिए अप टू 10 लेवल और बाकी 2 लेगों में मिनिमम 50 गोल्ड और 500 सिल्वर होने चाहिए और कम से कम मंथली इनकम 5 लाख अचीव करने चाहिए। यह है क्राइटेरिया रॉयल क्राउन डायमंड की। इसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन मैं नेक्स्ट मीटिंग में करूंगा। अब ये जहां तक ये मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है मैं सभी लोगों से माफी चाहूंगा जो लोग
इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए, कृपया निराश ना हो। मैं अब रेगुलर आता रहूंगा इस जूम मीटिंग के जरिए, और आप सभी लोगों के सामने आज इस जूम मीटिंग की जो वेबिनार है इसे मैं नेक्स्ट मनी एजुकेशन सिस्टम को डेडिकेट कर रहा हूँ टीचर्स डे के दिन में, जहां आप सभी के ट्रेनर मेंटर आप लोगों को यहां से ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। क्योंकि आज भी मैं ये जान रहा हूं कई लोग अपने टिकट्स वाले प्रॉब्लम यहां पे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। ये है सोच, ये है ट्रेनिंग, ये है ट्रेनिंग ना होने का परिणाम जो इस तरह के लोग कार्य करते हैं। उन सभी लोग क्रोध है कि वो टिकट टिकट में सीमित रखें, ये मीटिंग है, यहाँ टिकट सॉल्व की नहीं जा रही है। ठीक है, कई लोग लिख रहे हैं अपलोड किया बिल कैशबैक नहीं आ रहा है। ये मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही है, इन लोगों को या तो उनके सीनियर प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे हैं या उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही। यही कारण है कि यहाँ पे लोग चैट में इस तरह की बातें लिख रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या सोचा है कि एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सिस्टम बनेगी। अभी 3000 की आईडी से स्टार्ट होगी, आगे जाके ये 5000 तक चली जाएगी और रेगुलर ये चलेगी, जहां पे हर दिन प्रेजेंटेशन होगी मॉर्निंग में और इवनिंग में ट्रेनिंग सेशन होगा। ट्रेनर कंपनी डिसाइड करेगी कौन कौन ट्रेनर आएंगे और वो नेक्स्ट मनी का बेहतरीन ट्रेनिंग दे सके। कई ऐसे भी लीडर हैं हमारे साथ में जो अचीवमेंट तो नहीं ले पाए हैं, अचीवमेंट जल्दी हो जाएगी उनकी और बड़ी बड़ी अचीवमेंट होगी जहां तक मैं जानता हूँ। मैं उनको थोड़ा सा इन्वाइट करना चाहूंगा अगर वो हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर हेमेंद्र हर जी, हर्ष सर, मैं देख रहा हूँ हर जी, मैं आइडेंटिफाई करें या फिर चैट में लिखें? नहीं सर, शायद वो नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी टीमें सारी चीजों को जाने समझे, के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं कि टीमों को आगे कैसे बढ़ाई जाए। तो मैं उन लोगों के लिए फिर से एक मीटिंग रखूंगा सेपरेट, सारे लोग जो मिस कर गए हैं आज की मीटिंग। दूसरा मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुभाष चंद जी को। सुभाष चंद जी अगर आप हैं तो चैट बॉक्स में लिखें। यस सर, गोल्ड सुभाष चंद जी के नाम से है सर। सर सर है सर, सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरे सर नमस्कार, आपको पॉपअप वेलकम वेलकम सुभाष जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। बार बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं, म्यूट हो जा रहा है। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर बिल्कुल आ रही है। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने। सर का अनम्यूट हो रहा है सर बार बार। सर एक बार पुनः परमिशन दे सुभाष सर को। यस सर आप अनम्यूट है सुभाष सर। सर नमस्कार, नमस्कार हर्ष सर, नमस्कार सर अभिषेक सर, साहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत अच्छा लग रहा सर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने। आगे बढ़ते हैं, हर्ष मैं चाहूंगा आपके कुछ डायमंड है आ रही है आवाज, और सर कुछ डायमंड रह गए, सर की आवाज आ रही थी सर। ओके शायद फिर से म्यूट हो गए सर। कुछ डायमंड्स के नाम सर, मेरी आवाज आ रही है, बार बार म्यूट हो जा रहा है, मेरी आवाज आ रही है सर? यस के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और मैं इससे पहले कुछ रखूं टीम पे कुछ डायमंड, जैसे सीपी आर्य जी, परमार साहब, डबल डायमंड सचिन जी, उनका मेरे चार से लग रहा था नाम कुछ रह गया है।
और ध्यान में अपनी बात रखूं सर, आपको पता है शुरू से ही एक बड़ी कॉन्सेप्ट के साथ में हम चले हैं और पूरी नेक्स्ट मनी को ही लेके आगे बढ़ना है और मेरा हमेशा फोकस यही रहा है। और मेरा जो टारगेट है आने वाले 2025 तक लगभग 1 लाख लखपति बने नेक्स्ट मनी से, इसकी दिशा में मेरा जो टारगेट है वो ये है। मेरा तो सब कुछ हो ही जाएगा, मैं कभी अब फोकस किया भी नहीं उन चीजों पे, बट जो टीम है जो काम कर रही है जो शिद्दत से लगी हुई है वो आगे बढ़े, पूरी नेक्स्ट मनी आगे बढ़े सर, इस मिशन के साथ लगे सर। 1 लाख लखपति, जब आदमी लाख कमा लेगा तो उसको करोड़ बनाने से यहाँ कोई नहीं रोक सकता सर, ये होगा सर। नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है। विद्यीज वर्ड सर, थैंक यू वेरी मच, टाइम कम है, बाकी सब लोगों को मौका दिया जाए। हम सुनना चाहेंगे एक बार साउथ के हमारे डायमंड। यस सर, कुछ डायमंड्स के नाम जो मैं लेना चाहूंगा सर, गुजरात से यंग डायमंड स्टार लीडर सर गौरव सावलिया जी, सर अनम्यूट करें वन बाय वन या नाम पुकारने सर। एक एक वर्ड में अपने विचार रख दें, समय नहीं है। डायमंड गौरव सावलिया नाम से ही है सर, डायमंड गौरव सावलिया नाम से है। गौरव, यस यस, थैंक यू वेरी मच सर, ये दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थे और आज आपको सुनने का मौका मिला तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपकी जो गुड न्यूज है कंपनी को लेकर विजन है वो हम सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। और आज जो मेरा जो रैंक है या जो भी अचीवमेंट है उनका सारा का मेरे जी सर ऑटोमेटिकली म्यूट हो जा रहा है शायद। यस सर, आ रही है आवाज, आ रही है गौरव जी आवाज, हेलो, बारीक बारीक म्यूट हो जा रहा है। यस यस, तो सारा का सारा क्रेडिट हर्ष जी को जाता है, अभिषेक सर आपको जाता है कि आपने इतना और मेरे पास शायद प्रॉब्लम है कुछ, आई थिंक सो। तो मेरा जो टारगेट है कि 26 दिसंबर 2020 के दिन क्राउन डायमंड बनना है, बस मैं इतनी बात से यहाँ पे मेरी बात रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। साउथ से सर हमारे डायमंड स्टार लीडर जो साउथ को लीड कर रहे हैं एक तरीके से, रेस्पेक्टेड भरत रामा सर, अगर आप मीटिंग में हैं तो प्लीज रेज हैंड करें। डायमंड स्टार भरत रामा सर, अगर आप मीटिंग में हैं तो प्लीज रेज हैंड करें। ओके, आई थिंक शायद मिस हुए। लक्ष्मी चेतना सर, अगर आप मीटिंग में हर एक काम करते हैं सर, हम लोग लास्ट में सुनेंगे डायमंड को, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, मुझे भी सुनना है सारे डायमंड को, बट इसके पहले कुछ बातें हो जाए जो सुनने के लिए बहुत व्याकुल है लोग, ठीक है, कि सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या क्या होने वाली है और बहुत सारी चीजों पे बातचीत हो रही है। आप लोगों को बता दूं मैं कि कुछ कोरोना पीरियड के कारण हमारी कुछ प्लानिंग थोड़ी सी डिले हुई जरूर है, बट सभी कुछ आ रहा है। जैसे कई लोगों ने सवाल किया सर यूपीआई कब आएगा, तो यूपीआई पे वर्किंग स्टार्ट है एंड दशहरे तक हम यूपीआई लेके आ रहे हैं। क्या बात। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट हमारा मॉडल बहुत ही सुंदर मॉडल है और बहुत ही बड़े सोच से बनाई हुई सिस्टम है, बट कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर। आप सभी लोगों से अनुरोध है प्लीज प्लान की ड्यूटी को खराब ना करें और अपने पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए कृपया मर्चेंट ना बनाए, नहीं तो रिडीम रुकेगी, डिले होगी और इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और इसको रोकने के लिए हम मर्चेंट के अंदर इनवॉइसिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं, जो इनवॉइसिंग आप यहाँ पे खुद ही क्रिएट कर सकते हैं और तभी आप पेमेंट रिडीम कर सकेंगे। हम रियल मर्चेंट को ऑनबोर्ड करना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बोला कि ख्वाबों में न रहें, प्रैक्टिकल चीजों को जिए, इसको अपने निजी स्वार्थ के लिए चीजों को यूज ना करें। कृपया नेक्स्ट मनी को आगे बढ़ने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग मुझे चाहिए, बार बार अनुरोध कर रहा हूं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी कभी कुछ सिस्टम की खामी को अपनी गलत चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई लोगों ने अभी हमारे पास 3-4 महीने कोरोना पीरियड के कारण अमेजन के पास हमारा 8 लाख रुपए पड़ा हुआ है, फ्लिपकार्ट के पास हमारा 6-7 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो लोगों के तरफ से हमें पेमेंट नहीं आई, फिर भी हम कैशबैक दे रहे हैं
और पहले के बैकलॉग को क्लियर करने के लिए हम थोड़ा फास्ट करने में टीमों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसका फायदा कुछ लोग इस तरह से उठा रहे हैं कि डबल बिल अपलोड करते हैं। आज मिल जाएगा सर, 5 रुपया या 10 रुपया का अगर आप सोच रहे हैं तो ये मिल जाएगा, ये आप रख भी लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट आने वाले समय के लिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कृपया इस तरह की काम न करें, ईमानदार कंपनी के प्रति बने रहें ताकि कंपनी भी ईमानदारी से आपको सभी सिस्टम देती रहे। कंपनी को मिसगाइड करने की कोशिश न करें या सिस्टम से खेलने की कोशिश न करें, नहीं तो अगर सिस्टम खेलेगी तो कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। कुछ हार्डवर्ड मुझे यूज करने पड़ रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट इसलिए करना चाह रहा हूं कि आप लोग सुधर जाए और इसे सुधर के काम करें। हम अपने चीजों को काम कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं सर्वर फास्ट कीजिए, सर्वर को भी बहुत फास्ट कर देंगे हम और बहुत फास्टली हम चलेंगे। फिर से अनुरोध कर रहा हूं आप लोगों से, पेशेंस बना के रखें। दूसरी चीज है, इसके अलावा हम शॉपिंग पे अब काम करेंगे, बीबीपीएस और यूपीआई के साथ साथ हम दशहरे तक नेक्स्ट शॉपिंग और नेक्स्ट मर्चेंट पे पूरी तरह से वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट शॉपिंग पे आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं इतनी चीजों का यहाँ पे आ जाएगा। और आप लोगों को डेडिकेटेड नेक्स्ट शॉपिंग में बहुत सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड शॉपिंग मैनेजर मिल जाएगा, वो नंबर आपको मिल जाएगी जहां से आप उन चीजों को मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ कई हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट भी हैं जिनके लिए मैंने आज कुछ लोगों को बुलाया था यहाँ, बट टाइम की कमी के कारण आज मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मीटिंग का सिलसिला जैसा मैंने बोला अब आज से चालू हो जाएगा। ये चालू रहेगा कुछ दिनों में, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी एप्लीकेशन के अंदर कि कब कब कौन कौन मीटिंग ले रहे हैं। वो मीटिंग आप सभी लोग एक परिवार के जैसे आप सभी लोग उन मीटिंग को अटेंड करें, सीखें, सिखाएं लोगों को। और ट्रेनिंग का भी सेशन हमारा इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगा, जहां कोई भी किसी भी एरिया, कोई भी जात पात, कहीं से भी, कहीं गांव, खेड़ा, शहर, सभी जगह रहने वाले सभी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर पाएंगे और हम नया डिजिटल भारत बनाएंगे आप सभी लोगों के साथ मिलकर। इसके साथ साथ ये दशहरा तक की कमिटमेंट है आपको, शॉपिंग और मर्चेंट तो होगा ही, यूपीआई पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों का कहना है कि कस्टमर केयर कई जवाब नहीं देते, ये चैट में है, मैं ईमानदारी पूर्वक ले रहा हूं। कस्टमर केयर को फोन करना पड़ता है, तो आप सभी सीनियर से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने टीमों को बेहतर ट्रेनिंग दें ताकि उन छोटी छोटी चीजों के लिए कस्टमर केयर को फोन करने की जरूरत ना पड़े, ऑनली टेक्निकल चीजों के लिए कस्टमर केयर को फोन करें। कई लोगों के टीम में आज भी ऐसे हैं जो प्लान समझने के लिए कस्टमर केयर को फोन करते हैं। अनुरोध है आप सभी से, हाथ जोड़ के विनती है, हम इन सर्विसेज को अच्छा तभी कर सकते हैं, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आप लोगों का साथ हमें मिलेगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, दोनों चीजें मस्ट है सर। आप लोगों से विनती करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि इन चीजों को थोड़ा सा आप ये करें, अपने आप में समझें। और लीडर लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी टीमों में कृपया इन बातों का ध्यान जरूर दें। आप लोगों के पास अभी बहुत बड़ी टीम नहीं है, इन लोगों को जो शिक्षा, जो ट्रेनिंग आप देंगे, टीचर्स डे के दिन ये मीटिंग रखने का मेरा मकसद यही है कि आज से
हर अपलाइन अपने डाउनलाइन का गुरु है, भले वो उम्र में छोटा है बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कम एजुकेटेड है या कम पढ़ा लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जितना भी चीजें सिस्टम के बारे में जानते हैं वो नीचे वाले लोगों को सिखाना है। कृपया अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं सर, हम अपने जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, हम आपके लिए तत्पर हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। आईफोन के लिए भी वर्क चालू है, ऑलरेडी कई सिस्टम बन चुकी है और आईफोन की भी एक परमिशन होती है, वो भी मिल चुकी है। दशहरे तक या मैक्सिमम दिवाली तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आईफोन एप्लीकेशन भी आप लोगों के सामने रखकर, आप सभी लोगों का पेशेंस और आप सभी लोगों का ये जो सौहार्द बना हुआ है हमारे साथ, ये प्यार हमारे साथ होना चाहिए। आज 2 घंटे तक शायद लगातार 3,000 लोग बने हैं, ये इस प्रेम ये प्यार को दर्शाता है कि आप कितना चाहते हैं। और मैं इस चाहत को देख के और ज्यादा अपने कर्तव्य के प्रति डिवोशन के साथ हूँ और ज्यादा मैं प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों का फिर से मुझे साथ चाहिए। आज इस मीटिंग को हम डायमंड और कुछ लीडर्स के रिकॉग्निशन के साथ खत्म करेंगे, आगे फिर और मीटिंग होगी और बीच बीच में मेरा सेशन रेगुलर आता रहेगा। आज जो लोग मिस कर गए ये मीटिंग, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन सभी लोगों का जो लोग ये मीटिंग नहीं आ पाए, लेकिन सीटें लिमिटेड है तो लिमिटेड ही लोग आ सकेंगे। कल को हम 10,000 भी कर दें तो 10,000 आ सकेंगे। आज हमारे साथ 24-25 लाख डाउनलोड हो चुके हैं, तो ये तो डिमांड बढ़ता ही रहेगा। बस आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ट्रेनिंग लें, पूरी तरह से चीजों को समझे। एक फोन मुझे आया था एक बार, जिनका कहीं फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर रहे थे और पैसा वहां फ्लिपकार्ट में अटक गया। वो डायरेक्टली मुझे फोन करके बोलते हैं कि नेक्स्ट मनी में पैसा अटक गया। मैं बोला कैसे? बोला फ्लिपकार्ट से शॉपिंग किया, वो पैसा अटक गया। अब इतनी चीजों का नॉलेज नहीं है, वो बार बार मेरे से बहस कर रहे थे आपकी टाइप है तो आप समझो। अरे भाई हमारे साथ तो पैन कार्ड भी टाइप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल, तो उसे हम कैसे समझ सकते हैं? जब ये बेसिक चीजें आपके टीमों में नॉलेज नहीं है तो पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं है। आपके लीडर से बार बार अनुरोध करता हूँ कि पैसे के साथ साथ इन सारी चीजों को करें तो ये पैसा लॉन्ग टर्म रहेगा, नहीं तो ये पैसा चंबंगूर होता है, जैसा आता है वैसा चला जाता है। कृपया लोगों को ट्रेंड करें, लोगों को ये समझाएं कि ये छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है। हाँ, फिर भी कई लोगों का ये शिकायत रहता है, सर समझा के थक गया, वो मीटिंग में आता ही नहीं है। तो ऐसे लोग सर हमारे लिए डस्ट है और डस्ट को लेके चल कितना दूर आप चल सकते हैं। अपने अचीवमेंट के लिए इन डस्टों को न पकड़े, उनको पकड़े जो भले नॉलेजेबल नहीं है लेकिन चीजों को समझना चाहते हैं, चीजों को करना चाहते हैं। डिजिटल चीजें हैं सर, आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग बेसिक चीजें खरीदना बेचना नहीं समझ पाए अच्छे तरीके से, तो डिजिटल चीजों को समझाने में मुश्किलें तो आएगी। मैं भी चैलेंज फेस कर रहा हूँ, चैलेंज फेस करते करते ही इतना बड़ा कारवा बना। आप सभी लीडर से अनुरोध है फिर से एक बार कि इन सारे चीजों को की ट्रेनिंग दें, इन सारी बेसिक चीजों को समझाएं और लीडर्स की अलग से एप्लीकेशन की ट्रेनिंग मैं खुद लूंगा और मैं खुद उनको बेसिक चीजों जो चीजें एप्लीकेशन के अंदर है वो समझाऊंगा। जैसे कई लोगों का अभी रिडीमेबल ज्यादा हो जाता है तो बोलते हैं सर कैशबैक नहीं आ रहा है मेरा या कैशबैक ऐड ही नहीं हो रहा है। आप सभी लोगों को बता दूं कि कैशबैक कहीं नहीं जाएगा सर, वो वॉलेट में ही ऐड होता है। रिडीमेबल जो फिगर दिख रहा है दैट इज फिगर ओनली, नॉट अ वॉलेट, वो वॉलेट नहीं है। आपका वॉलेट का जो पैसा है वो रियल पैसा है। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि कभी कभार टेक्निकल मिस्टेक के कारण अगर रिडीमेबल ज्यादा हो गया तो उन्हें लगता है ये भी पैसा मैं निकाल दूं। कृपया लालची ना बने, धैर्य से काम करें। अभी तो बहुत
बड़ा कारवां आना बाकी है सर, और जिसने भी मेहनत कर लिया वो आगे जाके आज के अचीवमेंट से हजारों गुना ज्यादा इनकम और ज्यादा अचीवमेंट कर सकता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो अचीवमेंट है अभी एकदम क्षणभंगुर है। कल को मैं आपको ये बता दूं कि रॉयल क्राउन डायमंड या उससे आगे आने वाला भी पोजीशन के लाइन लग जाएगी, आप सभी वो अचीव कर सकते हैं, बट सिस्टम के लिए सीखना जरूरी है। आज टीचर्स डे में ये मैसेज कि आप सभी लोग आने वाले फ्यूचर के गुरु हैं, आने वाले फ्यूचर में हर लोगों को आप ही सिखाने वाले हैं, तो सिखाने के पहले सीखना जरूरी है। और ये नेक्स्ट मनी एजुकेशन सिस्टम आज टीचर्स के डे के दिन हमने ये स्टार्ट किया इन एसोसिएशन विद, एक एसोसिएशन है हमारी बहुत बड़ी कंपनी, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, जो कंपनी एनएसडीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड है उनके साथ एक बड़ा टाइप के साथ हम स्किल डेवलपमेंट को लेके नेक्स्ट मनी के अंदर आ रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है नेक्स्ट मनी को आने वाले समय में राइजिंग ब्रांड ऑफ एशिया का अवार्ड मिलने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के कारण ये सारा कुछ हो पा रहा है, और सब सब धन्यवाद के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम करना चाहूंगा और फिर से बोलना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों के लिए तत्पर हूँ। ये ना समझें कि किसी से बात नहीं होती है या किसी का व्हाट्सएप मैं नहीं देखता हूँ तो मैं उनके प्रति तत्पर नहीं हूँ। आप सभी की भावना मेरे तक पहुँचती है। एक एक बंदे को नेक्स्ट मनी के अंदर जितने भी एक एक बंदे हैं, मैं और मैडम सभी लोगों को पर्सनली जानते हैं, बस इतना ध्यान रखें। आप लोगों को हम पर्सनली जानते हैं सर, आपकी भावना हम तक पर्सनली रहती है और सभी चीजों पे हम भले उस वक्त आपको जवाब ना मिला हो या किसी चीज का नहीं आपको कुछ क्या मिला हो तो उसके लिए ये ना करें, मैं उसके लिए सिस्टम बनाता हूँ, सारी चीजें मेरे मन में रहती है और उसके लिए रेगुलर वर्क कर रहा हूँ। आज के लिए बीबीपीएस के लिए आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप लोगों को एक बात और बता दूं इस बीबीपीएस की खासियत, एक इस बीबीपीएस में बहुत सारी चीजें हैं जिसका भी टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा, हर एप्लीकेशन की हर चीजों का नॉलेज दिया जाएगा आप लोगों को, समय का इंतजार करें केवल। और दूसरी बात, अब जो बिल पेमेंट आप लोग बैंकों से करते थे या वहां जाके करते थे और ट्रांजेक्शन आईडीज लेते थे, अब हमारी ट्रांजेक्शन आईडी वहां पे मान्य होगी और वो हमारे ट्रांजेक्शन आईडीज को मानेंगे जितने भी बिलर्स हैं। तो इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए भी आप सभी लोगों का साथ और धन्यवाद बना रहा, इसलिए ये सब कुछ पूरा हो पाया। उन सभी डायमंड को हम एक बार सुनते हुए ये प्रोग्राम का समापन करेंगे। सर आगे हर डायमंड राहुल जी आप लोग सर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी सारे अनाउंसमेंट और काफी सारी नई सूचनाएं आपने दी। और एक बार सर मैं जो डायमंड्स के नाम रह गए हैं एक बार मैं पुकार लूं और फिर जो जो भी अवेलेबल है उनको हम वन बाय वन सुन लेते हैं। सर एक बार बधाई इस प्लेटफॉर्म से देनी बहुत आवश्यक है, तो बहुत बहुत बधाई हो उन सारे डायमंड्स को जिनके नाम मैं पुकार रहा हूं और वन बाय वन हम सबको सुनेंगे। साउथ से ग्रेट डायमंड स्टार लीडर भरत रामा सर को बहुत बहुत बधाई डायमंड रैंक के लिए इस मंथ से। लक्ष्मी चेतना सर जिन्होंने 65 साल की उम्र में इस रैंक को अचीव किया, बहुत बहुत बधाई सर। किशोर कुमार जी 23 साल की एज में सर आपने डायमंड रैंक को अचीव किया गुजरात से, सर आपको बहुत बहुत बधाई। आरसी यादव जी फ्रॉम मध्य प्रदेश सर आपको भी बहुत बहुत बधाई इस डायमंड रैंक के लिए। प्रदीप वर्मा जी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर सर एक काम करें जो जो अवेलेबल डायमंड है थोड़े थोड़े हम उनको सुन लें, सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं शायद सुनना चाहते हैं उन सभी को। सर 6 नाम रह गए थे खाली, एक्चुअली कुछ कुछ मिसिंग है, बाकी सबको सुन लेंगे, बाकी आप जैसा बोले ठीक है। आप अनाउंसमेंट कर लें। अशोक जी
डायमंड स्टार लीडर सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, और नेक्स्ट मनी के अनबान शान और शुरुआत से एक जुड़े हुए लीडर रोहिल्ला सर को डायमंड स्टार के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। सचिन सूर्यवंशी जी आपको भी सर डायमंड रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई इस मंच से। राजेंद्र जी यूपी से सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। महेंद्र परमार जी फ्रॉम गुजरात सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। अमित कुमार जी फ्रॉम तमिलनाडु सर आपको भी डायमंड रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई इस मंच से। प्रफुल्ल जी फ्रॉम उड़ीसा सर आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। और एक लास्ट नाम जो मेरे पास बचा है, पूजा जी फ्रॉम यूपी गोरखपुर, मैडम आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मेरे ब्रदर कमल जी जो इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं सर आपको भी क्राउन डायमंड रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई। और क्राउन डायमंड और डायमंड्स को भी आज एंट्री नहीं मिली, ऐसी आज मीटिंग रही। और सर आपके आदेश से वन बाय वन हम सुनना चाहेंगे सर सभी लीडर्स को। अगर रोहिल्ला सर मीटिंग में है सर तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं सर। रोहिल्ला सर, रोहिल्ला सर, रोहिल्ला सर अगर चैट बॉक्स में आप डाले तो मैं आपको सर अनम्यूट करें आपको। रोहिल्ला सर आई थिंक शायद नहीं सुन पा रहे हैं सर। सचिन सूर्यवंशी सर, सचिन सूर्यवंशी सर अगर आप मीटिंग में है प्लीज रेज हैंड करें। सचिन सूर्यवंशी सर, यस सर, सचिन सर है सर 011 डायमंड सचिन सूर्यवंशी नाम से, डायमंड सचिन सूर्यवंशी नाम से है सर। सर का रेज हैंड भी है सर। जीरो डबल वन डैश डायमंड सचिन सूर्यवंशी इस नाम से है सर मीटिंग में। जीरो डबल वन, हाँ जीरो डबल वन डैश डायमंड सचिन सूर्यवंशी आ गए, आ गए सचिन आ गए। यस सचिन सर आप अनम्यूट है सर। यस सर बहुत शानदार आवाज सर। सर अनम्यूट हो गए आप, सर म्यूट हो गए आप। यस यस सर, सचिन सचिन आवाज आ रही है? यस सर आ रही है सर आपकी आवाज। यस यस सर आप बोलिए। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा ले सचिन। चलिए आगे बढ़ते हैं सचिन, बाद में फिर लेंगे। उड़ीसा से सर प्रफुल्ल जी हैं। यस प्रफुल्ल जी उड़ीसा से सर आप प्लीज रेज हैंड करें सर। प्रफुल्ल आई थिंक सर प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी नाम से है सर। प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी नाम से है सर सर मीटिंग में। यस उनका रेज हैंड भी है सर। यस यस सर आप अनम्यूट। यस सर अनम्यूट है। सर वो अनम्यूट हो गए। प्रफुल्ल सर प्लीज अनम्यूट करें एक बार फिर से अपने आप को। प्रफुल्ल सर कुछ समस्या है टेक्निकली सर, शायद कुछ क्लिक हो रहा है बार बार कीबोर्ड या माउस से। सर एक बार प्रफुल्ल सर फिर। यस सर यस प्रफुल्ल सर यस प्रफुल्ल सर जी। अजमल हुसैन सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर जी। जी आवाज आ रही है जी हमारे बीच में अभी। यस सर सत्र पार्टी यस सर आ रही है आवाज। बात किया जाए जी सर जी। त
1000 डायमंड्स में बनाने के लिए मतलब गोल बनाया हूं और मैं जरूर उसको करूंगा और बहुत सारे लीडर्स मेरे टीम में उसके लिए भी तैयार हैं। और सर आपने जो इन्फॉर्मेशन आज दिए हैं जो थैंक यू दोस्तों, मैं गोपाल कुमार जयपुर राजस्थान से, और आज का जो वेबिनार बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहा, यानी कि आज इसी आईडी में भी हाउसफुल रहा और सर का आईडी था वो भी आज हाउसफुल रहा। और माफ़ी चाहता हूँ काफ़ी जो पार्टिसिपेंट हैं जो उनका यहाँ भी नंबर नहीं आया होगा, और फिर भी मैं बताना चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट को कि आज का जो वेबिनार था हमारे इसी सिस्टम के माध्यम से लाइव भी चलाया गया है। आप चैट बॉक्स में, मैं चाहूँगा नंदलाल सर या आदित्य कुमार जी जो लाइव अर्निंग ऑफिशियल ग्रुप है चैनल का, वो आप डाल सकते हैं ताकि हमारे बिजनेस पार्टनर फिर से सुन पाएंगे जो सर ने आज बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे दी है। और सभी पार्टिसिपेंट से मेरा निवेदन है कि चैट बॉक्स में मैंने जो अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है वो रेफर लिंक भी मैंने डाल दिया है, आप फिर से यहाँ से रेफर लिंक ले पाएंगे। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं लाइव जो चल रहा है, यहाँ से भी आप रेफर लिंक ले पाएंगे। और हमारा यूट्यूब जो चैनल है वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं लाइव अर्निंग ऑफिशियल पे। और अभी हमारे साथ में 68 जो पार्ट, आज हमारे साथ में काफ़ी न्यू गेस्ट भी जो है बने हुए हैं, और हम बहुत कम समय में यानी ओनली अपना अनुभव साझा करेंगे, मात्र हम 5 मिनट का समय लेंगे, 5 मिनट के अंदर अपना अनुभव साझा करेंगे। और सभी से निवेदन रहेगा कि आप अपना रेज हैंड कीजिए ताकि सभी से जी, सभी बिजनेस पार्टनर से मेरा निवेदन है कि आप एक बार रेज हैंड करेंगे, सभी से बात किया जाएगा। आज हमारे बीच में गोल्ड स्टार भी काफ़ी बने हुए हैं, मैं चाहूँगा अजमल हुसैन सर शॉर्ट में 1x1 आप ले लीजिए एक बार। जी सर, जी बिल्कुल सर। दोस्तों नमस्कार, मैं अजमल हुसैन, आज जो हमारे टेक्निकल गुरु के द्वारा आज हम लोग को लाइव यहाँ पे जो सीएमडी सब का प्रोग्राम दिखाया गया बहुत ही जबरदस्त रहा और शानदार रहा दोस्तों। और सर यहाँ पे सबको परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं कि आप अपना रेज हैंड करके अपना अनुभव साझा करें, और समय भी काफी हो चुका है तो जितना जल्दी जल्दी हो सके दोस्तों रेज हैंड करें। अभी हमारे बीच टोटल 59 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं दोस्तों, रेज हैंड करें और अपना अनुभव साझा करें। और हमारे बीच ग्रेट लीडर संजीत सर का रेज हैंड आया था, कोस्ट है, लेकिन सर आप जी जी बिल्कुल सर। सर हमारे बीच में गेस्ट है वो उनको भी ले लीजिएगा, आज गोल्ड स्टार भी काफी बने हुए हैं हमारे लिए। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर गोपाल सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरे आज के इवनिंग के वेबिनार में बहुत सब पार्टिसिपेंट को मेरा सादर प्रणाम और मेरे सारे मेंटर्स को। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, सीएमडी सर का लाइव जो आपने दिखलाया, और लगभग सभी दोनों चैनल पर हाउसफुल रहा और बहुत अच्छे से अनाउंसमेंट हुए, और मैं बहुत ही बारीकी से उसको सुन रहा था तो उनका कहना था बहुत सारे चीजें को बताया कि आने वाले हैं, एक ही चीज में समझ में आया कि आप पेशेंस बनाकर रखें यहाँ पर। अब अपने पेशेंस धैर्य अगर बना के रखेंगे तो यहाँ से वो चीज़ जो हम सपना सजोए हैं वो चीज़ आपको मिलने वाली है, और नए नए फीचर्स आते रहेंगे। इस सिस्टम है और सर्विस सेक्टर सिस्टम है, यहाँ सर्विसेज में तो परेशानी आएंगे चैलेंज आएंगे, उनको टीम को एजुकेट करना हो, ये सारी चीज को बताना है लोगों को। ओनली अनुभव साझा कीजिएगा शॉर्ट में। हाँ थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलने अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच है संत तबेज सर। सर वेलकम है, स्वागत है सर आपका। आपके स्क्रीन पे एक टॉपअप गया होगा, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। बस एक मिनट का टाइम है सर आपके पास, जल्दी से जल्दी अपना अनुभव साझा करेंगे। जी सबसे पहले मैं सब किसी को शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही शॉर्टली में कि आज हमारे जो नेक्स्ट मनी जो एप्लीकेशन है
बहुत ही फास्ट चल रही है और आप लोग धैर्य बनाकर रखे, हमारी वो एप्लीकेशन इतने फास्ट चलेगी कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते, और आप कदम से कदम मिलाकर चले, हम आप लोगों के साथ में हैं। क्योंकि कहा गया है कि रखौसला और मंजर भी आएगी, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगी, ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने के मजा भी आएगी। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, समस्तबरे सर। और हमारे बीच है कमलेश झा सर, वेलकम है, स्वागत है सर आपका, आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप गया होगा, आप अनम्यूट करके शॉर्ट में बात कर सकते हैं सर। नमस्कार सर, मैं कमलेश कुमार झा पटना से, और पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको बोलने का मौका दिया, और आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहा CMD सर का, और समझने की बहुत ही अच्छा समय मिला, और जो सर कमिटमेंट किए हैं वो बहुत अच्छा अच्छा चीज कमिटमेंट किए हैं, जिसका हम लोगों का इंतजार था, और आशा करता हूँ बहुत जल्दी वो मिल भी जाएगा, जिससे हमारे टीम का जितना भी गिला शिकवा था उससे दूर वो दूर हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपका अनुभव बहुत ही जबरदस्त रहा, थैंक यू। और हमारे बीच है RK यादव सर, सर वेलकम है, स्वागत है सर आपका, आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप दिया होगा, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं रितेश कुमार यादव गोटा झारखंड से, मेरा अपलाइन नल कपूर सर जी है, और आज जो CMD सर के द्वारा जो भी घोषणाएं की, अनाउंसमेंट किया गया, और मैं गोपाल सर को भी सत सत प्रणाम करना चाहूंगा कि हाउसफुल होने के बावजूद भी गोपाल सर ने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके लाइव दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच है अपकमिंग सिल्वर स्टार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, आपके स्क्रीन पे एक टॉपअप दिया होगा, बात कर सकते हैं। हेलो जी मैम। हेलो सर, जय नेक्स्ट मनी सर। जी जय नेक्स्ट मनी। मैं महेंद्र सर का और गोपाल सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मैं मीटिंग से रिमूव हो गई थी, फिर सोच रही थी कि कैसे बंद मीटिंग अटेंड कर पाऊंगी, तो उन्होंने लिंक भिजवाई, तो बहुत ही ये टीम वर्क हमारा बहुत ही जबरदस्त है सर, तो पूरे भारत में धूम मचा देंगे और फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे सर। मैं गुजरात से हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। अपलाइन कौन है मैम आपके? अपलाइन मेरे अपलाइन वैष्णव मैडम है, उनके अपलाइन है तेजस सर, और उनके अपलाइन है सचिन सूर्यवंशी सर, मैं टीम इंडिया से हूँ सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में गोल्ड स्टार है, उनको भी ले लीजिएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और नेक्स्ट हमारे बीच है गोल्ड स्टार आदित्य कुमार सर, सर वेलकम है, स्वागत है सर आपका, आप को-होस्ट हैं, आप बात कर सकते हैं सर अनम्यूट करके। जी बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं आदित्य कुमार बिहार पटना से, और आए हुए आज का वेबिनार में सभी भावी करोड़पतियों का नमस्कार स्वागत। दोस्तों आज जो CMD सर के माध्यम से जो हमें मैसेज मिला, बहुत ही शानदार जानदार रहा, और हमें पेशेंस बना के काम करना है दोस्तों, और दशहरे तक और दीपावली तक आने वाला और भी अपडेट आएगा दोस्तों, तो उसके लिए हमें पेशेंस बना के आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अजमल हुसैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच है नंदलाल सर, ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी नंदलाल सर, वेलकम है सर, स्वागत है सर आपका, आप को-होस्ट है सर, आप बात कर सकते हैं अनम्यूट कर सर। जी सर, आपका माइक ऑन है सर, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है सर। जी नेक्स्ट हमारे बीच है महेंद्र बेनीवाल सर, सर आप को-होस्ट है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। महेंद्र सर वेलकम है, स्वागत है सर, गुड इवनिंग सर। जी वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। सर आज के शाम का वेबिनार बहुत शानदार, और उन्होंने जो
हमें अच्छी अच्छी बातें बताई और कुछ नए अपडेट नए फीचर्स के बारे में बताया। वो जल्दी इसमें नवरात्रों में धनतेरस और दशहरे के दिन आएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो गोपाल जी सर ने हमारे को ये सर्वर के माध्यम से लाइव सीएमडी सर का वेबिनार दिखाया, इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ सर का। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे बीच है गोल्ड बीकेडी देवा सर। सर वेलकम है, स्वागत है सर आपका। आपके स्क्रीन पे एक टॉप अप गया होगा, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आप गोल्ड स्टार लीडर है सर। थैंक यू, वेलकम है सर। सर गोपाल सर जी जी नेटवर्क में जी नेटवर्क में नहीं है सर। जी जी सर अभी और शायद किसी का रेज हैंड नहीं है और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आज क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। 8:10 यानी कि 59 मिनट यानी 11 बज चुके हैं, लगभग 3 घंटा कंटिन्यू हो चुका है। अभिनंदन हुसैन सर। सर तो सभी से बात हो गया, फिर से 1 मिनट का समय लेंगे। किसी अपना अनुभव साझा करना चाहते थे आप रेज हैंड करेंगे प्लीज यहाँ पे, मात्र 1 मिनट का।